हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर, जिनको हमने पील ऑफ करके बारीक बारीक काट लिया है। ऑलिव ऑयल है हमारे पास, अगर आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। मेयोनीज और केचप साथ में हमने लिया है 1 चम्मच, ऑरिगेनो, आधा चम्मच हमारे पास है बेसिल, आधा चम्मच हमारे पास है काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। हमने 1 चम्मच यहाँ पर लिया है लहसुन का पेस्ट। हमारे पास यहाँ पर है ऑलिव्स, आधा चम्मच हमने लिया है शुगर, साथ में हमने मशरूम्स लिए हैं, कॉर्न है, अनियन से लंबे कटे हुए और बारीक कटे हुए, साथ में हमारे पास है श्रेडेड मोजरेला एंड चेडर चीज़। तीनों तरह की शिमला मिर्ची हैं हमारे पास, और हमारे पास है यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस जिसके ऊपर हम अपना पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तैयार करते हैं पिज़्ज़े की सॉस। हमने यहाँ पर गैस ऑन कर ली है, तो ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल। ये करीबन 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हो गया हमारा गर्म, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इसमें गार्लिक, बारीक वाले प्याज, इनको थोड़ा सा हम लोग फ्राई करते हैं। अब ऐड करेंगे टमाटर, आधा चम्मच नमक। अब इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। जितने में हमारी सॉस होती है तैयार, हम लोग इतने में अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं। हम लोग ऐड करेंगे सारी शिमला मिर्चें, कॉर्न, मशरूम, लंबे कटे हुए प्याज। में ऐड करेंगे मेयोनीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, अगर ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो ज़्यादा मेयोनीज ऐड कर लें। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप नमक और डालना चाहें तो नमक डालें, अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते तो साथ में हम लोग थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार, तो हम अपनी सॉस चेक करते हैं। देखिए जो हमारे टमाटर हैं ये हो गए हैं सॉफ्ट, हमने इनको अच्छी तरह से पकाना है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के रख देते हैं। चलें चेक करते हैं अपनी प्यूरी। ये देखिए जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो टमाटरों का यूज़ करें, अगर नहीं तो आप टमाटो की जो प्यूरी होती है टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे शुगर, करीबन 2 चम्मच केचप, ऑरिगैनो, बेसिल। अब अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो ये जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब हम लोग तैयार करते हैं अपने पिज़्ज़ा स्लाइसेस। हमारा पिज़्ज़े का सामान यहाँ पे सब रेडी है, लेकिन सबसे पहले ओवन गर्म कर लें। सबसे पहले लेते हैं स्लाइस, ऐड करते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरह से फैला लें, वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, फैला लेते हैं अच्छी तरह से। अब ऐड करते हैं मोज़रेला चीज़, ऊपर जो बारीक कटे हुए ऑलिव्स हैं वो डाल देंगे। बाकी की स्लाइस को भी इसी तरह से बनाना है। हमने यहाँ पे ओवन की ट्रे ली है, उसके ऊपर रखते जाएंगे। जो कुछ हमारे पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं उनको हमने बनाया वेजिटेबल के साथ, और कुछ बनाएंगे बिना वेजिटेबल्स के, मार्गरीटा स्टाइल। रखते हैं अपनी ट्रे ओवन के अंदर। हमारे इस पिज़्ज़ा स्लाइस को 10 से 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में, तो मिलते हैं 10 15 मिनट्स बाद। चलें अपने स्लाइस चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो स्लाइसेस हैं बिना वेजिटेबल के वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो हमें इनको पहले निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गए हैं रेडी, तो इनको हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे दूसरे स्लाइसेस उनको 1 से 2 मिनट और लगेंगे। ये देखिए हमारे जो ये वाले स्लाइसेस अभी बिल्कुल रेडी हैं। चलिए जी प्लेटिंग करते हैं, मिलते हैं आपको प्लेटिंग के बाद। जी जो हमारा झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा है वो हो गया है तैयार। आप बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा झटपट पिज़्ज़ा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।